महाकारणिक महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य दंते चंद्रमा जी पूज्य भिक्षु संघ पिता तुल्य मौर्य जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पूरे जीवन को अर्थपूर्ण सार्थक करते हुए जो नेतृत्व समाज को दिया, न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक सभी क्षेत्रों में आपने नेतृत्व दिया। और कामना करता हूं कि हम लोग 25 साल बाद आपको 100 साल पूरे करने के लिए फिर इकट्ठा होंगे। भाई, छोटे भाई राजीव रतन मौर्य को भी मैं बधाई दूंगा कि एक ऐसी अच्छी परंपरा की शुरुआत की, एक सीख दी है बच्चों को। मैंने देखा है अक्सर जिन लोगों ने मिशन के लिए काम किया था वो लोग परिवार पर ध्यान नहीं दे पाए, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं मौर्य जी भी और उनका परिवार भी, कि एक संतुलित परिवार का निश्चित रूप से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने परिवार की प्रतिष्ठा का, अपने परिवार की प्रगति का और समाज के उत्थान का ध्यान देता है। यही संतुलित व्यक्तित्व है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि पीएन मौर्य जी के अलावा कोई दूसरा मिशनरी देश प्रदेश में ऐसा हो जिसने सभी जगह अपना संतुलन बनाए रखा। और खास तौर से इन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे बहुत से अधिकारी हैं, बहुत से इनकम टैक्स पेयर हैं कि शेड कास्ट बैकवर्ड के लोग आगे आए, तरक्की की, लेकिन उनका भय, उनका अनुवाद का हैंगओवर कहीं ना कहीं उन्हें डराता रहा। और जिस भी कुर्सी पर वो लोग बैठे उसको कभी फलप्रद नहीं बना पाए। उन्होंने कोई अर्थपूर्ण पे बैक टू सोसाइटी का उदाहरण नहीं दिया। मौर्य जी को मैं बचपन से जानता हूं, मेरे लिए पिता तुल्य हैं। जब राजीव ने कहा कि आपको आना है तो मैंने बताया कि हमारा उनका संबंध कोई ऐसा संबंध नहीं है जो कोई, ये पारिवारिक संबंध एक पिता पुत्र के संबंध की तरह से है, तो मैं जरूर आऊंगा। और आज निश्चित रूप से आकर के जो मैंने भावुक दृश्य देखा, गीत सुने और भंते जी ने यहाँ पर अपना पाठ करके सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी, हम लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और उनका जीवन एक उदाहरण की तरह से हमारे समाज में हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए एक सबक बन करके आए। जब आपने काम शुरू किया बहुत कम लोग थे ऐसे नाम जिनको देश में जाना जाता था। बीपी मौर्य साहब, कोबरा गणेश साहब, संप्रिय गौतम, डॉक्टर देवी सिंह अशोक, डॉक्टर अन्नीलाल, पारसनाथ मौर्य जी, मुश्किल से 10 नाम ऐसे होंगे जो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, अपनी जो बौद्ध पत्रिकाएं थी, अपनी जो बौद्ध चर्चा हुआ करती थी जिनमें आपका नाम आया करता था। फिर और अधिक संपर्क हमारा बढ़ा, पिताजी का पोस्टिंग हुआ लखनऊ में SPRA के पद पर। उससे कुछ दिन पहले ही मौर्य जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महासभा बनाई, उसको नेतृत्व दिया और विधानसभा के सामने एक हमारा एक साथ बैठने का उठने का एक कार्यालय बना जिसमें लगातार सेमिनार हुआ करती थी। अंग्रेजाल जी सेमिनार कराया करते थे, आप अध्यक्षता करते थे, भंते प्रज्ञानंद जी आज नहीं हैं, और उन सभी में करीब करीब मेरी स्पीच हुआ करती थी क्योंकि सबसे युवा जो मेंबर था उस मिशन का मैं ही था। और इतना बड़ा जो सरकारी सहायता के साथ भी, सरकारी सहायता के बिना भी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए केंद्र बिंदु बना महासभा, उसमें कई बार उतार चढ़ाव आए लेकिन मौर्य जी ने उसको संभाले रखा और लगातार उसको स्वस्थ बनाए रखा, उसे बचाए भी रखा, संरक्षण दिया पूरी तरह से।
जिसने पूरे प्रदेश के अंदर एक नेतृत्व का केंद्र विकसित किया, लगातार कार्यक्रम उसमें होते रहे। साथ ही साथ जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला, बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, अब मंडल कमीशन के कारण बहुत से लोग नौकरियों में हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि मौर्य जी की टीम ने कितना काम किया। जो उसका क्रियान्वयन है उसके लाभार्थी बहुत है, लेकिन मौर्य जी ने कितने जगह सभाएं की, कितनी जगह गए पूरे देश के अंदर, कभी उत्तरांचल में कभी यहां, और मैं अधिकतर साथ रहा करता था टीम में, किसी ना किसी तरह पहुंच जाता था, पिताजी को समय नहीं मिलता था। पूरा मंडल कमीशन भी हम लोग को एक एक चीज कंटस्ट थी, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या रिजर्वेशन की फिलॉसफी है, क्या क्या कार्य कमीशन क्या चाहता था, मंडल कमीशन में क्या अंतर था और क्यों आवश्यक है। एक माहौल था उस समय, यहां तक कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वही लोग मंडल कमीशन का पुतला फूंका करते थे, जनपदों में खिलाफ हुआ करते थे। जब उन्हें पता कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से लाभार्थी हम ही है, तो बड़ा बदलाव आया। हालांकि वो 10-12 साल बड़ा संघर्ष किया, और उसमें जिन लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया उनमें अग्रणी हमारे पिता तुल्य पासा मौर्य जी रहे। उसके अलावा वो कभी विवादित नहीं रहे, कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो चाहते तो बड़े से बड़ा पद मिल सकता था बहुत, अगर समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने जो मिशन था बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, ज्योतिबा फुले का, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। बहुत से लोग हर आधे घंटे बाद समझौता कर लेते हैं, हवा बदली, निजाम बदला और समझौता कर लिया। ऐसे बहुत से अधिकारी, कर्मचारी, नेता बहुत लोग हैं, लेकिन मौर्य जी के प्रति समाज कृतज्ञ है कि समाज को एक ऐसा नेतृत्व, क्षमतावान महान व्यक्तित्व मिला जिसने लगातार सामाजिक नेतृत्व बिल्कुल बेरोक टोक किया, बेधड़क किया, बिल्कुल साहस के साथ। हमें ऐसे महान व्यक्ति पर लगातार गर्व होता है। सम्राट अशोक ने अपने उपदेशों में लिखाया था, शास्त्रिक और प्रशासनिक जो अभिलेख है उसके अलावा भी, माता पिता की सेवा करो। आज मौर्य जी के साथ हम लोग एक ही कार में बैठे थे, गए थे वहां, देखा सभा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। आजकल के कोई नेता होगा तो वापस चला आएगा। मौर्य जी ने लोगों को समझाया कोई बात नहीं, यहाँ हम ही लोग अपना सफाई करेंगे, अपने आप नीचे बैठेंगे, दरी बिछाएंगे और हम लोग बोलेंगे, आप लोग 10-20 मिनट जितना भी है बोलिए। फिर मौर्य जी का और हमारा भाषण हुआ, तब तक 100-200 लोग आ गए। तो वो विल पावर, वो क्षमता, वो मिशन की क्षमता है, वो ज्योतिबा फुले से आई हुई प्रेरणा ली हुई क्षमता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो उल्लेख किया है, जो विजन दिया, और मौर्य जी जब तक रहेंगे एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। राजीव रतन जी को इसके लिए और बधाई कि उन्होंने जो विजन है सम्राट अशोक का, माता पिता की सेवा करो, उससे नई युवा पीढ़ी को बहुत सीख दी। युवा पीढ़ी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ भटकी हुई दिखाई देती है बुजुर्गों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति। हम तो इसके कानून की मांग करते हैं कि नैतिक रूप से जो लोग नहीं मानते, वैसे तो 90% भारतीय संस्कृति है और सब लोग मानते हैं माता पिता की और बुजुर्गों की सेवा करते हैं। जिस तरह कानून में बदलाव हुआ, महिलाओं को अधिकार मिले, इसी तरह से माँ बाप को जो पालते हैं बच्चों को, तो बच्चों को भी कानून बाध्य किया जाना चाहिए कि वो माँ बाप के अंतिम समय तक उनका गरिमा में साथ दे। निश्चित रूप से आज ऐसे कानून की आवश्यकता का एहसास हो गया है। लोग बाग जब भी नैतिक बल उनका कमजोर होता है तो उन परिवारों में माँ बाप का सम्मान नहीं होता। ये कानूनी तौर से भी, नैतिक तौर से भी और सांस्कृतिक तौर से भी बाध्य हो, और भगवान बुद्ध जिनका हम पालन करते हैं, जिनके उपदेशों का, उसमें दीपक में भी और सूत्रीपाद में भी साफ साफ कहा गया है। जो भी हमारे कलाकार बंधु गीत गा रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे बंधु जी से, सूत्रीपाद में साफ साफ कहा गया, जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस बाप ने तुम्हारे लिए जगह जगह की यात्राएं की, मजदूरी की, ढूंढा और आकर के तुम्हारे तुम्हें खाना दिया, भोजन दिया, उसका अंतिम सांस तक उसकी सेवा करना, तो ये बौद्ध परंपरा रही है। सूत्रीपाद के कारण बहुत से बौद्ध ग्रंथों में उदाहरण दिए गए। परिवार को ठीक रखने के लिए
हमारे बहुत से कानून बने हैं, लेकिन नैतिकता से बड़ा कोई कानून नहीं है। जब तुलना होती है लॉ एंड मोरलिटी में, क्योंकि लॉ बाहर से कंट्रोल करता है बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, लेकिन नैतिक बल अंदर से आपको प्रेरित करता है कि आपको समाज की भी सेवा करनी है, माँ बाप की भी सेवा करनी है। कई बार विवाद हो सकते हैं पत्नी के, भाइयों के, लेकिन फिर भी जिस परिवार के अंदर बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान है, उस परिवार के विवाद भी बाहर नहीं जाते और उस परिवार की सदैव प्रगति होती रहती है। ऐसी लगभग सभी धर्मों में है, बौद्ध धर्म में तो इसको पूरी तरह से बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है। खाने पे गर्व करना, हम गर्व करें चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर करें, सम्राट अशोक के ऊपर करें, ज्योतिबा फुले के ऊपर करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर करें, मान्यवर जी के ऊपर करें। गर्व करने के लिए हमको ये जातियां और उपजातियां नहीं चाहिए। गर्व करने के लिए राष्ट्रवाद अच्छा है, गर्व करने के लिए तिरंगा अच्छा है, लेकिन और किसी भी तरह की चीजें जो जनता को बांटती हैं, समाज को बांटती हैं, उनका किसी भी तरह से समर्थन बौद्ध संस्कृति नहीं करती है। हमको बहुत बड़ा काम करना है एम्पावरमेंट का। जब बच्चे पढ़ा नहीं करते थे उस समय हम देखते थे बीबी मौर्य जी, संजय गौतम और आपकी टीम सब लोग गांव गांव में प्रचार करते थे कि पढ़ाई करो, बच्चों को पढ़ाओ, और जहां से शिकायत आती थी कि वहां बारात नहीं छोड़ने देती, आप लोग जाया करते थे। हम लोग तो किस्सों में सुना करते थे कि आज मौर्य जी ने ये कर दिया, गौतम साहब ने ये कर दिया और अशोक साहब ने ये कर दिया, ये सुना करते थे बचपन में। हम लोग सोचते थे कि हाँ हम भी कुछ करेंगे। लोगों को कैलेंडर नहीं थे बाबा साहब के, लोगों के पास भगवान बुद्ध का कैलेंडर नहीं थे। कैलेंडर जो बंटवाया करते थे हमारे विरोधी, वो कैसे बंटवाते थे? रविदास जी का कैलेंडर बंटवा दिया और रापी और उस पे जो हथियार थे अंतर्जबिल्टी के, वो रफा दिए, उसको हटवाया इन लोगों ने। बाबा साहब के कैलेंडर की संख्या आज सबसे ज्यादा है, मूर्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उस समय लगवाने का श्रेय आप लोगों को रहता था कि हाँ अपने क्षेत्र में मूर्तियां लगवाओ, प्रेरणा स्रोत बनवाओ, बुद्ध विहार बनवाओ, पार्क बनवाओ, मैगजीन निकली, लेख लिखे लोगों ने, कविताएं लिखी। और उस जमाने में 40-50 साल पहले मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी 50 का पूरा हो गया, तो लोग बाग माइक पे बोलने को तैयार नहीं थे और आज माइक से हटने को तैयार नहीं। तो इसमें मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, लोगों को तैयार किया। एक चलते फिरते स्कूल, चलते फिरते यूनिवर्सिटी की तरह से है मौर्य साहब और उनके साथी। कई लोग आज है नहीं, कुछ लोग कार्यक्रम में नहीं आ पाए, डॉक्टर देवी सिंह अशोक साहब ने, उन्होंने बहुत बड़ी बधाई दी है, बड़े उत्सुक थे वो आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरा संदेश ले जाइए। हमने कहा हम तो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आप सिखाते रहे वही हम लोग बताते हैं लोगों को, जो सीखा है। निश्चित रूप से नई युवा पीढ़ी आपको ये बधाई भी देती है और आपको ये पूरी तरह से गर्व के साथ में वादा भी करती है कि आपके मिशन को पीछे देखने को नहीं मिलेगा, ये मिशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में परिभाषा दी है महान व्यक्ति की। महान व्यक्ति कौन होता है? और बौद्धिकता होती है, वह आदमी श्रेष्ठ होता है। थोड़ा सा जो शिक्षक लोग हैं अधिक ध्यान देंगे, जो आदमी बौद्धिकता रखे हुए और गंभीरता रखे हुए है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के अंदर समाज की गंदगी को सफाई कर्मचारी की तरह से ढोकर के समाज से बाहर ले जाता है वो महान व्यक्ति है। मौर्य जी ने वो जो उपजातिवाद का पर्दा था उसको तोड़ा, पक्के अंबेडकर वादी रहे आजीवन। और निश्चित रूप से जो गांव गांव में लोगों ने जय भीम करना सीखा, मैं बता रहा हूं ये 10 लोग ना होते प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो आज गांव गांव में नमो बुद्धाय जय भीम करने वाले नहीं होते। इतना बड़ा योगदान इन लोगों का रहा है, तो हमको ऐसे महान लोगों का साथ जितना मिल जाए उतना अच्छा है। जो बहुजन का विजन रहा है कि जिस दिन बहुजन एकता हो गई बहुत बड़ी चीज होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विजन दिया SC ST OBC माइनॉरिटीज की एकता का,
मान्यवर जी ने उसको जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कहा। यह बहुजन यूनिटी क्यों बिगड़ गई? यह अच्छे काजी चल रही थी, लेकिन एक दो घटनाएं इस तरह की हुई कि वो बहुजन यूनिटी डगमगा गई। उसका जिस दिन बहुजनों के घर में वो 22 प्रतिज्ञाएं चल जाती, वो बहुजन यूनिटी परमानेंट हो जाती। लेकिन सांस्कृतिक बदलाव ना होकर के राजनीतिक या प्रशासनिक बदलाव में लोग आ गए, अपना फायदा देखा लोगों ने, और उस फायदे के कारण स्थायी बदलाव की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि जो विरोधी का मिशन है, मनुवादी मिशन, वो इतना ज्यादा गंभीर है, इतना ज्यादा तह तक गया हुआ है कि वो तारीख होगी तो, बुराई होगी तो, ताने कसेंगे तो, उसमें जातिवाद उपजातिवाद मिला रहता है। किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी है तो पता लग रहा है ये चीजें आपके मुंह में, आपके दिमाग में डाली गई है ताकि कहीं कोई एकता बहुजन एकता ना बढ़ने लगे। उनके कला में, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे गायन कला हो, कहीं ना कहीं वो अपना ईश्वरवाद, अपना भाग्यवाद, अपना चमत्कार, अपना अंधविश्वास डाल देंगे। उनमें काला चून में वॉलपेपर सेट पे कहीं ना कहीं दिखाई जाता था। उतनी जगह से सफाई करना युवा पीढ़ी का दारोमदार है। मौर्य जी इस मिशन को जहां तक ले आए आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन अब युवा पीढ़ी को, चाहे वो सोशल मीडिया एक आसान हथियार मिल गया उनको, लेकिन उसके साथ साथ पैरालल मनुवाद भी चल रहा है। वो जहां जहां पूजा पाठ सिखा रहा है, उपजातिवाद फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, सिनेमा के माध्यम से उसकी काट युवा पीढ़ी को करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तब जाकर के मौर्य जी का मिशन आगे बढ़ेगा। हमारा जो सोशल मीडिया है, 4 साल से काफी कुछ लोगों ने गांव गांव जुड़े हैं। एक जमाना था पढ़े लिखे लोग यही मान के चलते थे कि रिजर्वेशन मिल गया मंडल कमीशन की वजह से और भारतीय संविधान की वजह से, बस अपनी नौकरी के लिए मिल गया। ये नहीं है। रिजर्वेशन की जो फिलॉसफी है वो ये है कि आपको शक्ति के गलियारे में उस पीड़ित आदमी को हिस्सेदारी का एहसास दिलाना है जिसके साथ आप गली मोहल्ले धूल मिट्टी बाग खेत में खेले थे। उसने आप पर आंखें लगा रखी है कि आप कलेक्टर कप्तान मंत्री होकर के, जज होकर के उसके काम करेंगे। लेकिन उस पे बैक टू सोसाइटी मूवमेंट को लोगों ने एक तरफ छोड़ दिया। 22 प्रतिज्ञा याद नहीं है? आरक्षण में जब जब कुठाराघात होता है तब तब थोड़े बहुत अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे लोग सभाएं करने लगते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव सांस्कृतिक स्तर पर हो जाता और पे बैक टू सोसाइटी में लोग बाग हिस्सा लेते, पिछले 60 सालों में क्लास 1 क्लास 2 अधिकारियों ने जो भी SCBC के आए इतना धोखा दिया कि बड़ी शर्म आती, बहुत शर्म आएगी। उन्होंने अगर एक काम भी लोगों का किया होता, किया क्या उन्होंने, उन्होंने अपने ही बहुजन मूवमेंट के सदस्यों को ACR खराब किया, उनको डिमोरलाइज किया। अगर वो इस सांस्कृतिक क्रांति के अंदर हिस्सा लेते तो निश्चित रूप से और जगह तो बदलाव अपने आप होता। आपका जो प्रतिनिधि है अपने आप की बात मानता, वो आपका बिल नहीं फाड़ता, उसके ऊपर दबाव रहता कि मेरे जानने वाले, मुझे यहां भेजने वाले, उन्होंने मेरे ऊपर आंखें लगा रखी हैं, उन्हें आपसे कोई डर नहीं है। बदलाव बहुत करना है। आज भी 92% लोगों में मध्य प्रदेश में ये मैसेज है कि उनको पीने का पानी नहीं मिलता। काम बहुत करना है। आपस में जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग सैनिक बनकर के आए हैं, आपस में उनको सहयोग करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बड़ा देश है, बहुत लीडर चाहिए, राजनीति से ज्यादा समाज में, संस्कृति में। बंते चंद्रमा जी की प्रशंसा मैं करना चाहूंगा, पूरे देश विदेश में लगे हुए हैं काम करने में। लेकिन जब तक पे बैक टू सोसाइटी से हम अपने भिक्षु को 1% नहीं देंगे, अत्याचार से पीड़ित लोगों को 1% नहीं देंगे, हमारी शैक्षिक संस्थाएं खुल रही हैं उनको हम 1% नहीं देंगे, हमारे लोग जो सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं उनको 1% नहीं देंगे, तो ये 5% ठीक जगह नहीं पहुंच पाएगा। भिक्षु लोगों को यात्रा करनी है,
सामाजिक कार्यकर्ताओं को यात्रा करनी है, काम करना है, और आपके लिए 1% कुछ नहीं है। जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको याद कब आती है मिशन की? जब याद आती है नौकरी में, जब कोई दुर्घटना हो जाए, अत्याचार हो जाए या तबादला हो जाए ऐसी कुर्सी पर जहां पर आपको कोई अन्य लाभ नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से आदर्श स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन सांस्कृतिक बदलाव होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ उंगली उठा करके देखे, तब जाकर के मौर्य जी का विजन पूरा होगा। संरक्षण केवल सबको चाहिए और एक से चाहिए। जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी के ऊपर लय कर आए थे वो इसीलिए था कि जब एससी एसटी को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिला, ओबीसी को नहीं मिला, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन में नहीं मिला, तो जो यूनिटी थी वो खत्म हो गई। हमारे ही बैच के लोग जो एसटी नहीं हो पाए थे वो हमारे खिलाफ हो गए, मैसेज चला गया बहुत दूर तक। तो निश्चित रूप से अगर ये सांस्कृतिक बदलाव में बदल गया होता तो एक से उद्देश्य होते, एक सी मांग होती, और एक सा आंदोलन होता, एक सा मिशन होता, और सबको सफलता मिलती। निश्चित रूप से वो जो कमियां रही उनको पूरा करने का समय आ गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं पार्षद मौर्य जी को भी और उनके सुपुत्र राजेंद्र मित्र मौर्य को भी, जो उनके साथी मित्र लोग आए हैं, बुजुर्ग भी हैं उनमें और बच्चे भी हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय बहुत रहे हैं। सभी लोगों के, सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बस मैं उनकी तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी थी। दिन जाति को नष्ट कर दोगे उसी दिन बहुजन यूनिटी बनेगी, उसी दिन बहुजन आंदोलन सफल होगा। जाति को लिपटाए रखोगे नाम से, उपनाम से, क्षेत्र से, गले से, संस्कृति से, परंपराओं से, तो बहुजन मिशन कुछ नहीं होगा और आपके विरोधी आपको अंधविश्वासों का शिकार बनाते रहेंगे, अत्याचारों का शिकार बनाते रहेंगे, आप अकेले पड़े रहेंगे। कितना भी कहते रहे आप 85-15 की लड़ाई, जब तक आप अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हैं, आप एक टूल हैं, आप एक पार्ट हैं उस व्यवस्था का, जो व्यवस्था आप ही को नष्ट करने पर सैकड़ों साल से चली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत आभार भैया आपका।